क्षेत्रीय विधायक डावर ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पनवाड़ा और डोंगर चिचलिक सहित कई ग्रामों में पहुंचकर ओलावृष्टि से गेहूं एवं मक्का की फसल के नुकसान को देखा। जायजा लेने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक डावर द्वारा प्रत्येक किसान के खेत पर पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि आपका जो नुकसान हुआ है उसको शासन से उचित मुआवजा दिलाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। सहगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। वृष्टि से क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित तौर पे बेमौसम की ये वर्षा जो हुई है, भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में ओले भी गिरे, हवा भी चली और पानी भी खूब गिरा। बरसात में अगर पानी गिरा इस टाइम तीन तीन बार नाले पूरा, और इससे जो गेहूं की फसल और चने की फसल और मक्का की फसल और साथ में सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 20 तारीख को पत्र भी लिखा और तत्काल कलेक्टरों को निर्देश दे के क्षेत्र में सर्वे करा के उचित मुआवजा तत्काल देने संबंधी निर्देश देने का निवेदन किया। भोपाल से विधानसभा सत्र खत्म होने के आने के बाद क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में ग्रामों में डोंगर चिचली, कालेमुआड, बेजापुरा, बड़ा अपने एलात्री, इन गांवों में जामुन जीरा, इन गांवों में हमने दौरा किया और खेतों में पाया कि अभी तक पानी खेतों में है और गेहूं कटे हुआ गेहूं जो पिंडी बंधी हुई है उसी में उग गया और मक्का की फसलें पूरा खेत की खेत आड़े पड़ गए हैं, जो उसका उचित दाना पोषण निखाएगा और वो बिल्कुल ख़राब हो गई। मेरी मांग है सरकार से, कलेक्टर से, सबसे कि जो गेहूं खराब हुआ है, जो फसलें नुकसान हुई उसको समर्थन मूल्य पे ही उनकी खरीदी करें सभी किसानों, ताकि उनको उचित दाम मिल सके। अन्यथा बाजार में गेहूं का भाव 12 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा, इतना खराब हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।